हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। ये सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से मोहम्मद ताहिर भुट्टा आपके सामने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस पेपर्स में जो आने वाले ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसको डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। उसमें अभी हम सिनोनिम्स जो है वो देख रहे हैं। तो लेसन नंबर 1 और 3 बुक 2 में से ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और पिछले लेक्चर्स में, और आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 के जो सिनोनिम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं लेसन नंबर 5 का टाइटल है ऑन द स्टोइंग बुक्स। तो इसके जो सिनोनिम्स प्रीवियस पेपर्स के अंदर आए हुए हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स में, मुल्तान में भी और बाकी तमाम बोर्ड्स में ये शामिल हैं। तो ये सिर्फ मुल्तान बोर्ड को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम तमाम बोर्ड्स के जो है ना वो जो सिनोनिम्स हैं वो शामिल हैं इसमें। तो अब देखते हैं, द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी। पहला पहला लफ्ज़ हमारे सामने जो आया है वो है पेडेस्ट्रियन। आप जानते हैं पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले को कहते हैं पेडेस्ट्रियन। तो सोल्जर, पुलिसमैन, स्ट्रेंजर, वॉकर, तो वॉकर का जो लफ्ज है ना, वॉकर, ये पेडेस्ट्रियन के लिए चलने वाला। द थॉट अकर्ड टू मी, OCCURED, अकर्ड टू मी मतलब मेरे जहन में आया, मुझे सूझा ये ख्याल। स्ट्रक, अटैच्ड, होप्ड, बल्कि हॉप्ड भी लिखा हुआ है और स्टॉप्ड भी लिखा हुआ है। हॉप, HOPPED, हॉप्ड का मतलब होता है मंडलाना, जैसे परिंदा किसी जगह के ऊपर मंडला रहा हो, ऊपर उड़ रहा हो, उसको कहते हैं हॉप। और अटैच, साथ चिपके हो ना, स्ट्रक, जहन में कोई चीज है ना, हम कहते हैं ना मुझे ये चीज स्ट्राइक कर रही है, ये स्ट्राइक से ही सेकंड फॉर्म है स्ट्रक। तो अकर्ड टू मी, स्ट्रक मी, मेरे जहन में आई। और फिर आप देखें नेक्स्ट जो है ना, सो फार आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन। ये स्ट्रे, STRAYED, स्ट्रेड अप एंड डाउन, स्ट्रे का मतलब होता है भटकना, आवारा फिरना। कहते मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर ऊपर नीचे आगे पीछे, ये अप एंड डाउन का मतलब एक आगे पीछे भी होता है जब ये रास्ते या सड़क के हवाले से इस्तेमाल हों ये अल्फाज। तो बहरहाल स्ट्रेड का लफ्ज है भटकना होता है, आवारा फिरना होता है। वॉन्डर्ड का लफ्ज है स्टेड, वॉच्ड, रेन। तो वॉन्डर्ड का जो लफ्ज है ना, WANDERED, घूमना फिरना, तो ये स्ट्रेड के लिए ये लफ्ज आ जाएगा। फिर है इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, AGONY, एग्नी, इजियत, तकलीफ, शदीद जहनी एजियत, जिस्मानी एजियत के लिए भी बोलते हैं बहरहाल एग्नी को। मोमेंट, ग्रेट पेन, और डिफिकल्टी, थॉट। तो ग्रेट पेन का जो लफ्ज है ये आ जाएगा एग्नी के लिए, ग्रेट पेन, बहुत ज्यादा तकलीफ, एजियत। और द बुक्स वर लाइंग फॉर लॉर्न, FORLORN, द बुक्स वर लाइंग फॉर लॉर्न, कि वो जो किताबें थीं वो पड़ी हुई थीं बिल्कुल अकेली, तन्हा, अनहैप्पी, वीक, पीसफुली, रुइंड। तो करीब तरीन जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें करीब तरीन बनेगा रुइंड, मतलब जिनकी हालत अब बुरी थी, तकरीबन बर्बाद हो गई थी। फॉलो, तो आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, SLIGHT, कई मीनिंग में आने वाला इस्तेमाल है, कई मीनिंग में इस्तेमाल होने वाला ये लफ्ज़ है स्लाइट। तो स्लाइट का मतलब यहां पे हल्का सा, मामूली सा, स्लाइट का जो लफ्ज है, स्लाइट अनईज मतलब हल्की सी बेचैनी, हल्की सी परेशानी। तो अब यहां पर देखें, इन सेंस एक्सट्रीम, अ लिटल और डीप। अ लिटल, स्लाइट के लिए अ लिटल की एक्सप्रेशन, थोड़ा सा कुछ। इन सेंस का जो लफ्ज है
ये मतलब खुशबू अगरबत्ती होती है ना, तो उसके अंदर जो अगर होता है उसके लिए जो है ना वो बोला जाता है इंसेंस। अच्छा फिर देखें कि ही एक्विटेड मी अपेरेंटली, एक्विटेड acquitted, एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, जाने देना, स्पेयर। एग्जोनरेटेड, वॉच्ड, विटनेस्ड, फॉलोड, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, विटनेस मुशाहिदा करना, गवाही देना भी होता है, वॉच देखना भी देखना होता है, और एग्जोनरेट ये छोड़ देना होता है, आज़ाद कर देना होता है, एग्जोनरेटेड, और स्पेयर्ड SPARED ये भी इसके सिनोनिम के तौर पर। और फिर देखो, आई लुक्ड डाउन इन टू द फेंटली ल्यूमिनस स्वर्ल्स ऑफ द रिवर, स्वर्ल्स SWIRLS, लुक्ड डाउन इन टू द फेंटली ल्यूमिनस स्वर्ल्स ऑफ द रिवर, दरिया की लहरें फेंटली ल्यूमिनस, मध्यम हल्की हल्की चमकती हुई, जैसे रात के अंधेरे में लहरें हल्की हल्की चमकती नजर आती हैं, लेकिन बहरहाल स्वर्ल्स का लफ्ज है लहरों के लिए, समंदर दरिया की लहरों के लिए बोला गया। और वर्लपूल, वेव्स, वाटर, टॉरेंट, तो वेव्स का लफ्ज बहरहाल इसके लिए जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। टॉरेंट का जो लफ्ज है ये तो बड़ी शदीद तूफानी लहर को कहते हैं टॉरेंट। आई स्प्रैंग बैक फ्रॉम द वॉल एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद एन एयर ऑफ र्यूमिनेशन एंड अनकंसर्न। तो बेटा देखें, लफ्ज है र्यूमिनेशन, र्यूमिनेशन का मतलब होता है गहरी सोच, गौर व फिक्र, र्यूमिनेशन का मतलब जो है ना, तो रिफ्लेक्शन, प्राउड, जेंटलनेस और प्राइड, तो ये जो रिफ्लेक्शन का लफ्ज है ये आ जाएगा इसके सिनोनिम के तौर पर। और ज़हन में रखें, रिफ्लेक्शन का मतलब गौर व फिक्र भी होता है, रिफ्लेक्शन है तो एक तो वो लाइट के हवाले से रिफ्लेक्शन होती है ना, तो लेकिन ज़हन में रखें रिफ्लेक्शन का मतलब गौर व फिक्र, सोच विचार भी होता है, और र्यूमिनेशन का मतलब ये। और इट वॉज अ ट्रैम्प हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, इट वॉज अ ट्रैम्प, अंडरलाइंड वर्ड है ट्रैम्प, आवारा गर्द, कितना आवारा गर्द सा था जिसके सोचने को और बहुत सारी चीजें थी। तो वेगाबॉन्ड और वॉन्डरर, ये दो लफ्ज ये बिल्कुल ठीक है, वेगाबॉन्ड का लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल करेंगे या वॉन्डरर का लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा ट्रैम्प के लिए। और प्राउड मगरूर को कहते हैं, जेंटलनेस शराफत को कहते हैं, बेगर भिकारी है, ये लफ्ज नहीं आ सकते। नॉन बुकिश पीपल आर वेरी रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी काम के लिए तैयार ना होना, अनविलिंग, अनप्रिपेयर्ड, रिलक्टेंट का मतलब जो है ना हेजिटेंट, तो केयरफुल, मोहतात के मतलब में होता है, हेजिटेंट का ऑप्शन है, विलिंग और प्लेजेंट, तो देखें रिलक्टेंट के लिए ये हेजिटेंट का लफ्ज भी, अनविलिंग का लफ्ज भी इसके लिए, अनप्रिपेयर्ड भी बरल हो सकता है। सो इन द एंड आई डिटर्मिन टू डू टू द बुक्स व्हाट सो मेनी पीपल डू टू द किटन्स, डिटर्मिन्ड मतलब फैसला कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि बस किताबों के साथ वही हशर करना है जो बहुत सारे लोग बिल्ली के बलूंगड़ों के साथ करते हैं। तो अब यहां पर आप देखें, डिटर्मिन्ड का लफ्ज है रिजॉल्व्ड, पहला लफ्ज जो है रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड का मतलब भी यही होता है, पक्का इरादा किए हुए, रिजॉल्व्ड। थॉट डिजायर्ड और हेटेड नहीं। हियर एंड देयर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रेवलर्स, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले, तन्हा, सॉलिटरी का मतलब जो है सैड, हैप्पी, लोनली, ग्रेव, तो लोनली का लफ्ज आ जाएगा सॉलिटरी के लिए, ग्रेव GREVE कब्र को भी कहते हैं, और ग्रेव का मतलब संजीदा भी हुआ करता है। और फिर उसके बाद देखें, देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर,
देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर, हवा में सर्दी की एक लहर सी थी. तो यहां फीलिंग ऑफ कोल्ड, निप के लिए फीलिंग. असल ये है इसका सिनोनिम निप के लिए फीलिंग. द ग्रीनिश येलो लैंप्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ रोड. ग्लीम्स का लफ्ज है रोशनी की शुआएं, किरणें, लॉन्ग ग्लीम्स. तो रेज, रिफ्लेक्शन, शेडो, ट्रीज. तो रेज का लफ्ज है ना ये ग्लीम्स के लिए रे. और फिर है आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस. सस्पिशियस का मतलब होता है शक भरे अंदाज में. कंफर्टेड, पीसफुल, डाउटफुल, हरी. तो डाउटफुल इसका सिनोनिम बन जाएगा सस्पिशियस के लिए. और आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली. ट्रेम्बल, कांप उठना, कि मैं हल्का सा कांप सा गया. आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली. तो ट्रेम्बल्ड का लफ्ज यहां पे अंडरलाइंड है. पहला पहला ऑप्शन है क्विवर्ड, क्यू यू आई वी ई आर ई डी, क्विवर. क्विवर का मतलब ही कांपना होता है और यही आएगा. वॉक्ड, टॉक्ड और सैट नहीं. बट मोस्ट पीपल स्पेशली नॉन बुकिश पीपल आर रिलक्टेंट. ये रिलक्टेंट का लफ्ज दोबारा आ गया. ये पहले हम यहां अब अनविलिंग का ऑप्शन है. ये पहले आप देखें, हम देख चुके हैं हेजिटेंट या अनविलिंग. और इन रियलिटी इट इज नॉट मियर एब्सर्ड, ए बी एस यू आर डी, अहमकाना हरकत, एब्सर्ड, अहमकानापन, सिली, ह्यूमरस, लॉजिकल, रीजनेबल. तो ये एब्सर्ड के लिए सिली का लफ्ज जो है ना ये हम इस्तेमाल करेंगे, अहमकाना. और इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड स्केफोल्ड फॉर देम, एस सी ए डबल एफ ओ एल डी, स्केफोल्ड. ये जो फांसी का तख्ता होता है उसे कहते हैं गैलोज, सही ऑप्शन बनता है. और यहां दिया हुआ भी है गैलोज, जी ए डबल एल ओ डब्ल्यू एस. बाकी जो ऑप्शंस हैं, शेल्फ बिल्कुल नहीं हो सकता, अलमारी अलमारी होती है, शॉप ये भी नहीं. तो ये गैलोज. बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्ड्स ग्रेजुअली अक्यूमुलेटेड देयर. Accumulated, accumulate का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे हो गए. Accumulated there, इकट्ठे हो गए, जमा हो गए. तो अब accumulated के लिए आप देखें, पहला पहला ऑप्शन दिया हुआ है gathered, और यही लफ्ज ठीक है. Gathered का लफ्ज भी ठीक है, assembled का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है accumulated के लिए. तो पाइल्ड अप का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए. तो बहरहाल ढेर लग गया. तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लेसन नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में, जो प्रीवियस पेपर्स मुख्तलिफ बोर्ड्स में आने वाले प्रीवियस पेपर्स में जो सिनोनिम्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए. तो अगले लेक्चर में हम फिर इसके बाद वाला जो लेसन होगा वो डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.